दोस्तों, आज के वीडियो क्लासेस में फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो को यूज करके सोशल मीडिया पोस्टर डिजाइन बनाना सिखाऊंगा कुछ इस प्रकार से। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको फोटोशॉप को ओपन करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोटोशॉप में टेक्स्ट का लेआउट तैयार करेंगे और बाकी मोशन एडिटिंग प्रीमियर प्रो में करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ पे एक सोशल मीडिया का पोस्ट का साइज लीजिए 200x272 RGB, ठीक है। तो जो मेरे पास फोटो है, मैं आपको वो पहले यहाँ दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक फोटो है, इसको ओपन कीजिए और यहाँ से ये सेक्शन टूल पे सिलेक्ट सब्जेक्ट कीजिए। उसके बाद इसको क्या कीजिए, कंट्रोल जे से कॉपी कर दीजिए और इसको पकड़ के अपने इस लेयर पर ले आइए। इस लेयर की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ये कलर को सिलेक्शन कीजिए। अब यहाँ से रेक्टेंगल टूल लीजिए और कुछ इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल टी कीजिए, इसको थोड़ा पकड़ के इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे ले जाइए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है टेक्स्ट, आप यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट। दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे आपको ये भी बताता हूँ कि आप यदि आपको हिंदी में टेक्स्ट लिखना नहीं आता है तो आप फोटोशॉप में हिंदी में टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। सिंपली आपको गूगल में जाना है और करना है गूगल हिंदी इनपुट टूल, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ लिखिए मैं तैयार हूँ। तो मैं पहले यहाँ इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। एच यू करता हूँ तो यहाँ आ गया और ये स्लाइड, ठीक है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कीजिए और कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आपको सिंपली यहाँ जाइए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे फॉन्ट जो यूज कर रहा हूँ, ये रोझा नाम का एक फॉन्ट है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ ये। फ्रेंड, अगर आपको फॉन्ट चाहिए और जो भी मैं इस वीडियो में प्रीमियर प्रो का प्रीसेट यूज करूंगा, वो सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कीजिए। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल टी से इसको बड़ा कर दीजिए और इसका कलर को कुछ इस प्रकार से कलर यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद क्या करना है, सिंपली कंट्रोल टी कीजिए और कुछ आप इस प्रकार से यहाँ पे इसको कर दीजिए, ठीक। इसको जितना बड़ा करना चाहे आप बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ी सी इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए। अब लिखना है बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो, लिखिए बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो और ऑफ कोर्स इसका फॉन्ट मैं बैंक गोदिक कर देता हूँ और इसका साइज मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ। आप इसको पकड़िए, 30 कीजिए और इसका कलर मैं फिलहाल अभी यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ। कंट्रोल टी कीजिए, इसको पकड़ के यहाँ ले आइए। ऑफ कोर्स इसको भी थोड़ी सी इसे रोटेट कर दीजिए, ठीक। इसको और छोटा कर दीजिए 20, ठीक है। और इसको 250 कर दीजिए, 200 कर दीजिए। आप इसको अच्छे तरीके से इसको लिख दीजिए। यदि इसको थोड़ी बड़ा करना चाहते हैं तो आप आसानी से कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ताकि फॉन्ट को थोड़ा मैं और बड़ा कर दूं। अब क्या करना है, इस सबको कंट्रोल जी कीजिए और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्टराइज लेयर कर दीजिए। तो हमारा एक यहाँ PNG बन गया। यहाँ लिखिए वॉच फुल वीडियो ऑन। ऑफ कोर्स इसका मैं यहाँ पे फॉन्ट जो है, मैं यहाँ पे ग्लोरी यूज करता हूँ। ग्लोरी का मैं यहाँ मीडियम यूज कर दे रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे एक यूट्यूब का आइकन हम लेंगे। फाइल में ओपन जाइए और मेरे पास है
अगर आपके पास नहीं है तो आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है, यूट्यूब का इस तरह का आइकन आपको मिल जाएगा, कंट्रोल टी कीजिए और इसको अच्छे तरीके से प्लेसमेंट कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए इसका जो उज्जवल पत्नी, उसके बाद क्या कीजिए इसका जो साइज है, तो मैं इसको यहाँ से पूरा बॉल ले लूंगा हैवी में, और कैप्स लॉक इसका बंद कर दीजिए और इसको यहाँ ले आइए। ऑफ कोर्स इसके साइज को बड़ा कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों को कंट्रोल जी और इसके साथ में सेंटर कर दीजिए और इसको पकड़ के नीचे ले आइए, थोड़ा और नीचे ले आइए और नीचे वाले को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। अब दोनों को सेंटर कर दीजिए। अब ये दोनों क्या कीजिए, कंट्रोल जी कीजिए, इसी तरह कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट और स्ट्रेच लेयर, ठीक है। अब यहाँ दो मेरा, एक ये बन गया एक ये बन गया, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने आपको अभी यहाँ पे फोटोशॉप में एक टेक्स्ट का लेआउट बना के दिखाया, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों मेरे अलग अलग लेयर पे है। हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह PHD फॉर्मेट में सेव करेंगे और प्रीमियर प्रो में लेयर बाय लेयर ओपन हो जाएगा। चलिए आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि फोटोशॉप फाइल को प्रीमियर प्रो में कैसे ओपन कर सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए, आप यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए, PHD लिख दीजिए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ प्रीमियर प्रो को ओपन कीजिए। अब यहाँ न्यू प्रोजेक्ट लीजिए और जहाँ सेव करना चाहते हैं, फिलहाल मैं डेस्कटॉप पर लेता हूँ, ठीक, और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिएगा जो आपने PHD फाइल को सेव किया है उसको यहाँ ओपन कीजिए इसको, और जब इस तरह का चीज आता है यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें आपको इंडिविजुअल लेयर्स करना है, ओके कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे दो दो फोल्डर बन के आ गया, तो यहाँ फर्स्ट वाले को आप लीजिए और ऑफकोर्स सेकेंड वाले को भी लास्ट में रख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिएगा नीचे लिखा है ऑडियो ऊपर वीडियो, अभी हमें वीडियो लाना है तो इसको पहले ऊपर कर दीजिए। आप क्या करना है, जो आपके पास वीडियो है उसको ले आइए, तो मेरे पास यहाँ पे जो वीडियो है ये वीडियो है, इसको ले आइए, इसको यहाँ से कुछ अच्छा सा जो आपको दिखाना है उसका आप ट्रेलर टाइप का वो आप देखिए। दोस्तों यहाँ से मैं ये वाला क्लिप को सिंपली यहाँ से ड्रैग करके, इसे देखिएगा यहाँ अगर क्लिक करते हैं ड्रैग तो वीडियो होगा ऑडियो, यहाँ से क्लिक करके सिंपली यहाँ से आप ले आइए। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो वीडियो है वो पीछे आया, पर क्या हुआ कि बहुत छोटा साइज है। आपको एक बार करना है सेट टू फ्रेम साइज, आप देख रहे हैं कि अभी भी पूरा नहीं आया। अब करना है स्केल टू फ्रेम साइज, आप देखते हैं कि पूरा लेयर में आपका आ चुका है। अब क्या करना है, अब मैं इसको ज्यादा नहीं, इसको पहले यहाँ से डिलीट कर दीजिए, बाद में रखेंगे, और इसको पकड़ के मैं ज्यादा तो नहीं, पर इसको मैं जो है लगभग अराउंड 20 सेकेंड तक मैं इसको दिखाता हूँ। इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा, आप वीडियो को जैसे चाहे वैसे यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ होने के बाद हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो वीडियो को देखे जो इंटरेस्टेड लोग हो वो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए। तो अब क्या करेंगे, जो मैं यहाँ पे जैसे बीन्स में जाते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो है इसको यहाँ ले आइए आप, जैसे कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं कि इसके नीचे पूरा ब्लैक है, तो एक इसके नीचे एक लेयर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है कलर मेट और इसका कलर यहाँ से व्हाइट कर दीजिए, ओके कर दीजिए और इसको नीचे रख दीजिए आप कुछ इस प्रकार से। इसको थोड़ी पकड़ के इसको सेंटर कर दीजिए। अब क्या करना है, इसमें हम चाहते हैं टेक्स्ट में कुछ मोशन टाइप की आ जाए, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से जब रेजर टूल है इस पे पकड़ के इस पे कट कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से इफेक्ट्स में जाइए आप, और इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से इस सेकेंड वाला जो है ये प्रीसेट को इस पे डाल दीजिए। अब देखिए ये किस तरह आएगा, और साथ में फ्रेंड हम क्या करते हैं, एक इसके नीचे साउंड इफेक्ट को मैं डाल देता हूँ।
ठीक है। साउंड इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट पे जाना है और इसको साउंड इफेक्ट मेरा देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे है ये जो साउंड इफेक्ट है, इसको सिंपली इसके नीचे रख दीजिए। अब देखिए किस तरह आएगा। हम चाहते थोड़े ये जूम होके आए, तो इसका क्या है, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा इसका कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए, इसको यहाँ कीजिए और एक इसको थोड़ा सा आगे कीजिए और एक क्लिक और कर दीजिए और इसको हम करते हैं 115 और इसको अभी देखिएगा बहुत फास्ट हो आएगा। ये देखिए बहुत फास्ट हो रहा है, स्लो करने के लिए इसको लास्ट कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। आप जैसे ही इसको आप कंट्रोल एम कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा यूज मैक्सिमम रेंडर रेट हो, इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं डाउनलोड में कर देता हूँ और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा इंटायर सीक्वेंस कर दीजिएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिएगा फॉर्मेट में H.264 और सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो एक्सपोर्ट हुआ तो ये कैसा दिख रहा है, देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ फिर मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।